नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार, टियर 500 बाय मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटेड, टिकट को दाम मात्र 500 रुपया, लकी ड्रॉ 19 नवंबर, पहलो पुरस्कार मात्र बिक्री भाई का टिकट हरू बाटा। 5 नवंबर ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जीते जसबीर सिंगले के तपाई हुनुहुन्छ यसपाली को करोड़पति। प्रधाननगर थाने ने चोरी के आरोप में एक युवक को 3 दिन पहले पकड़ा था। युवक दार्जिलिंग का रहने वाला बताया जा रहा है और आज सुबह उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि प्रधाननगर थाने के लॉकअप के अंदर कथित तौर पर 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है, ऐसा सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी का कहना है। पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी ने दावा किया है कि घटना की जांच को लेकर डीसीपी मुख्यालय को एक पत्र भेजा गया था, साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी घटना की जांच की जाएगी। हालांकि सूत्र युवक की स्थिति थोड़ी नाजुक बता रहे हैं। विचाराधीन युवक ने लॉकअप के अंदर ही आत्महत्या करने का आखिर कैसे सोचा है? पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी ने घटना की जांच के लिए डीसीपी मुख्यालय को भी पत्र भेजा है। एक्यूज्ड आछे, वो सुसाइड अटेम्प्ट करे छे, एकोनी हॉस्पिटले आछे और एकोनी क्रिटिकल आछे बट स्टेबल आछे। हाँ, हमरा इंक्वायरी जन्नो आमी डीसी हेडक्वार्टर के चिट्ठी लिखे छे। की केसे अरेस्ट छे? छे एक टा चोरी छे, तो चोरी केसे अरेस्ट होय छिलो। তাদের মধ্যেই বাচ্চা হয়েছিল যা পাওয়া গেছে আপাতত ইনভেস্টিগেশনে, আর আমরা ওদেরকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা চলছে। মহিলাকে সেটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করেছি, আমি আগেই বলেছিলাম যেহেতু সিসিটিভি যে আমরা ফুটেজ পেয়েছিলাম আর যে এফআইআরে যে ইনগ্রিডিয়েন্ট ছিল তার মধ্যে যেহেতু ডিফারেন্স ছিল, তার ভিত্তিতে আমরা প্রথমে 164 করিয়েছি মহিলার, ভিক্টিম মহিলার, তারপরে আমরা যখন সবুত পেয়েছি তারপরে আমরা অ্যারেস্ট করার জন্য চেষ্টা করছি। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में 2 वाहनों की आमने सामने की दुर्घटना में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना रंफू पुलिस पोस्ट अंतर्गत राजमार्ग के सुकिया खोला के पास आज घटित हुई है। जानकारी के अनुसार सिक्किम से सिलीगुड़ी सवारी वाहन और सिलीगुड़ी से सिक्किम की तरफ जा रही एक गाड़ी के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को टिस्टा रंगीत रेस्क्यू सेंटर की टोली के सहयोग से उपचार के लिए रंपू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राष्ट्रपति को लेकर तृणमूल विधायक के विवादित बयान के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, आरोपी विधायक के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपति को लेकर तृणमूल विधायक की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शनिवार को पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। आज भाजपा समर्थक शहर के बीचों बीच हाशमी चौक पर प्रदर्शन करते हुए शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेताओं ने घटना का कड़ा निंदा किया है। भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक हाशमी चौक पर जमा होकर राष्ट्रपति के बारे में तृणमूल नेता द्वारा दिए गए विवादित बयान की निंदा करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के जिलाध्यक्ष आनंदमय बर्मन ने आरोपी तृणमूल विधायक के इस्तीफे की मांग की है। घटना राज्य जनजाति उपजाति आदिवासी समाज के लिए शुद्ध भोटे समय और तक भोट बैंक हिसाब से व्यवहार करार जो तृणमूल कॉग्रेस रही है, কিন্তু এদের আমরা যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের বা আমাদের পার্টিতে যেভাবে বলা হয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস, আমরা সবার বিকাশ চাই। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ আজকে দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারে, দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, এটা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিতেই সম্ভব। কিন্তু তৃণমূল শুধুমাত্র এই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ, সাধারণ জনজাতি মানুষ, তাদেরকে নিয়ে উপহাস করা, তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা, এগুলো বারংবার আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা এই ধরনের ঘটনার
तीव्र निंदा और धिक्कार जानाई। पुलिस आयुक्त से मिले डिप्टी मेयर रंजन सरकार, 15 नंबर वार्ड की समस्याओं की चर्चा की है। सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने वार्ड नंबर 15 में हाल ही के दिनों में हुई विभिन्न घटनाओं के मद्देनजर शनिवार को सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कुछ देर तक पुलिस कमिश्नर से 15 नंबर वार्ड के विषय में गंभीरता से बातचीत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत करते हुए पुलिस को इन समस्याओं से सक्रिय होने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त ने उन्हें इस बारे में गंभीरता से विचार करने का और सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मध्य अनेकगुलो नतून नतून जगह किछु मानुष के देखा जाच्छे तारा ड्रेनेर उपर बसे गेछे, सेटा जेमन बोल्लाम। पाशापाशी आमादेर शहरेर कयेकटा जगहते देखछि जे एई एनक्रोचमेंटेर एकटा प्रवणता दुई एकटा जगह आमरा देखेछि, सेगुलो निये आलोचना हलो। आमरा किभाबे काज करब, तादेरके डेके किभाबे कथा बोलबो, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সঙ্গে কীভাবে বসা যায়, সেগুলো নিয়ে সব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। আর দু একটা যে ইনসিডেন্টস হয়েছে শিলিগুড়িতে সেগুলো নিয়েও বললাম যে পুলিশকে আরেকটু তৎপর হওয়ার জন্য, পুলিশ যাতে তৎপরতার সঙ্গে বিষয়গুলোকে দেখে, এবং সিবি সাহেব সেটাকে এগ্রি করেছেন এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। वेस्ट बंगाल स्कूल एंड कॉलेज किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में छात्रों ने किया उम्दा प्रदर्शन। वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स किकबॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित वेस्ट बंगाल स्कूल एंड कॉलेज किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप शनिवार को सिलीगुड़ी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न स्कूल के कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रानीडांगा SSB मुख्यालय IG अमित कुमार, पश्चिम बंगाल स्पोर्ट्स किकबॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल लामा, महासचिव विश्वनाथ रॉय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो मुझे लगता है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा बच्चा बन गया हूँ, काश ये संभव हो पाता। और बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह के स्पोर्टिंग इवेंट्स होते रहने चाहिए। बच्चों से बातचीत करके उनके अंदर जो उत्साह है और उनका जो कॉन्फिडेंस है, उससे यही विश्वास होता है कि आगे आने वाले समय में हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करेगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल। बकाया वेतन की मांग में BSNL कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहने की दी चेतावनी। बकाया वेतन की मांग को लेकर भारत संचार निगम के BSNL अस्थायी कर्मचारी ने आंदोलन तेज कर दिया है। बकाया वेतन की मांग को लेकर ये लोग भारत संचार निगम के विभिन्न कार्यालयों के सामने करीब 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे BSNL के अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि 16 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। भले ही दार्जिलिंग जिले के सांसद ने खुद पूजा से पहले बकाया वेतन के भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस बारे के भुगतान का कोई आश्वासन दिया तो था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन आज के 12 दिन হচ্ছে। এর আগে আমরা পূজোর সময় 21-22 আন্দোলন করেছিলাম, তখন আমরা পুজোর জন্য স্থগিত করে দিয়েছিলাম। BSNL ম্যানেজমেন্টকে বললাম ততক্ষণ আমাদের টাকা পয়সা আনার ব্যবস্থা করা, কিন্তু BSNL ম্যানেজমেন্ট তখনও ওই সময় আমাদের বেতন আদায় করে দেয় নাই, আনতে পারেনি টাকা। তার মধ্যে সবার থেকে বড় বাজে কথা এটা কি, একটা MP আমাদেরকে পুজোর ওই 12 নভেম্বর যখন আমরা কথা বলি তখন উনি MP আমাদেরকে কমিটমেন্ট করে কি পুজোর আগে আপনাদের মাইনা হবে, কিন্তু পুজো তো শেষ হলো, সব তাও মাইনা হলো না। MP-র কথা ফেলিয়ার, BSNL ম্যানেজমেন্টের সাথে সময় দিতে দিতে ফেরাপ, একবার এমন পর্যায়ে চলে গেছে ছেলেদের 16 মাস ধরে মাইনার দেওয়ালে পিঠে গেছে। তারপরে আমাদের 1 তারিখের থেকে আবার আন্দোলনে আমরা নেমেছি। আমরা তৃণমূল নেতা আর শিক্ষক আতে স্কুল কে অন্দর চল রহি দোকান চরম অব্যবস্থা। ঘটনা মালদা কি হ্যায়। তৃণমূল প্রখণ্ড অধ্যক্ষ স্কুল নহীঁ আতে হ্যায়, স্কুল কে অন্দর কিরানে কি দোকান চলতি হ্যায়, রাষ্ট্রগীত নিয়মিত নহীঁ হোতা আর জভি ভি হোতা তো শিক্ষক कुछ बैठे रहते, जो अनुशासनहीनता माना जाएगा। वहीं आरोपी शिक्षक और तृणमूल नेता का कहना है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, उनके खिलाफ भाजपाइयों की साजिश है। वहीं विरोधियों का कहना है कि स्कूल के नियमित रूप से नहीं कक्षाएं लगती है, स्कूल के अंदर किराने की दुकान चल रही है और यही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। স্কুলে দেখতে পাচ্ছি এখন 12টার কাছাকাছি হতে চলেছে, এখনো টিচার আসেনি। আপনার কি না মাস্টরলা 12টায় আছে, ছাত্ররা ঘুরে বেড়াচ্ছে,
কি মাস্টারলাগ গালি দিয়ে আসি কি করছি, হয় না মিটিং করছি কি করছি, শিক্ষায় হয় না পড়া হয় না। তারপর দাদা আমরা এখানে আরেকজন অভিভাবক যে আছে ওনার সঙ্গে কিছু কথা বলে নিই। দাদা আপনার নাম? আমার নাম দীপক বর্মন। তা আপনার ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে? তো এখন দেখতে চলেছি যে এখন টিচার এখনও আসেনি স্কুলে, তো আপনি কি বলতে যাচ্ছেন? টিচার তো এখনও আসে নাই, কিন্তু যে সাড়ে এগারোটা বাজে যাচ্ছে, এখনও টিচার আসে নাই। টিচারকে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তো আপনাদের কি মাস্টারমশাই কিছু কি ইসে করেন না, বলেন না? আমরা একটা কথা, যে ভিডিওটা যে হচ্ছে, আপনি কি বাকি যে মাস্টারগুলো আছে ওই মাস্টারগুলোর খবর কি, আজকে আসেন? আপনি কি ছুটি দিয়েছিলেন, বলেন না? আপনি কি ছুটি দিয়েছিলেন বাকি যে চারটা আরও মাস্টার আছে মাস্টারমশাইগুলোকে, আপনি কি ছুটি দিয়েছিলেন? আজকে ওদের কি ছুটি আছে রেজিস্টারে? ওরা কি কিসের জন্য আসে নাই? সার্ভে আছে তো ওদের, সবগুলো মাস্টারের সার্ভে, সবগুলো মাস্টারের সার্ভে আছে স্কুলে, সবগুলো মাস্টারের সার্ভে আজকে ওদের সার্ভে আছে। আর ওদের অসুখ আছে তো ডাক্তার দেখাতে গেছে, ডাক্তার দেখাতে গেছে। মেডিকেলের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে তো? ওর মা কে না কাকে ডাক্তার? মেডিকেলের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে তো আজকের, আজকের ডেটে এই সময়ের মেডিকেলের সার্টিফিকেট লাগবে। কিন্তু সব মাস্টারই আজকে মানে শরীর ভালো নাই না কিরকম, কি বলতে চান? মাগুলো সব মাস্টার মা মশাইয়ের মাগুলো শরীর ভালো নাই, ওদেরকে ট্রিটমেন্টে নিয়ে গেছে। আর এটা আপনার বক্তব্য? ওরকমই বলছে আমাকে, ওরকমই বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। हिमालयन किन फर्नीचर यहाँ पे उपलब्ध है अट्रैक्टिव किन सोफा सेट, डाइनिंग सेट, क्रिस्टल के बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर, टाटा स्टील प्रोडक्ट के स्टील एंड स्टाइल में है थ्री डोर और टू डोर अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, कार्लन सोफा वर्ल्ड में मिलेंगे सोफा सेट, मैट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट एवं सभी तरह की फर्नीचर और फर्निशिंग। पूजा ऑफर में है अप टू 20% डिस्काउंट और अट्रैक्टिव गिफ्ट। 35 सालों के विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्नीचर नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गार्मेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन, जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गार्मेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गार्मेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स फॉर क्लास इज 8 टू 10 एंड 12। यंग एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, फुल्ली डिजिटल क्लासरूम्स, सिक्योर एंड मॉनिटर्ड, फोकस ऑन को करिकुलर एंड cool cafeteria to hang out at, all subjects under one roof, daily and weekend batches, hostel facilities available. के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक, सिलगढीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै बिटिई, आरआइसी अनि इन्फ्युजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। इएमआई फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। वान अफ द मेजर ब्रान्ड इज फ्याब्ली। वी हेभ अल टाइप्स अफ सिमलेस ब्रा, सिमलेस प्यान्टी, लेसी प्यान्टी, टी सर्ट ब्रा एन्ड स्विम वेयर, सेटन रुम नाइट वेयर। We have all types of intimate and personal accessories which makes you more comfortable and beautiful. We have lacy panties with beautiful box. We have spa socks, nipples cover, shoulder pad, bra extensions. We have many more straps.
Inside store is located at Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Ki tapai taiyar hununcha? Ki hola ki? Dear Lotteries, Himalayan Idol Season 2 Nepali Singing Talent Search को खरसाङ audition 12 November Sunshine High School Mirik audition 13 November को दिन Mirik Higher Secondary School मा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। ऑडिशन को निम्ति स्पॉट रजिस्ट्रेशन पनि उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रजिस्ट्रेशन को निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.skilive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size. Per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज और सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। स्वास्तिक टावर सालूगढ़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर, अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, सीसीटीवी एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालूगढ़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351।
A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani DigiVision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। 50 लाख के ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर थाने की पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस्लामपुर थाना की रामगंज पुलिस चौकी से गुप्त सूचना मिलने पर ASI यूसुफ अली ने विशेष टीम के साथ रामगंज में नयापाड़ा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर उत्तर बंग राष्ट्रीय परिवहन निगम की एक बस में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान बस से पुलिस ने मालदा जिले के रतुआ थाना के अलपाड़ा रतुआ कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय महिला के पास से ब्राउन शुगर जब्त किया है। इसके साथ ही महिला तस्कर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। आरोपी को कल कोर्ट में भेजा जाएगा। रामगंज जिला का एक मैंने मादक पाचार करती की धरा पड़ा हुई थी, की विषय आज के सकाले हमारे কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে মালদা থেকে একটা গাড়ি আসছে বাস, সেই বাসে একজন মহিলা আছে যার কাছে মাদক থাকার সম্ভাবনা আছে। তো সেইভাবে খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের রামগঞ্জ আউটপোস্টের যে অফিসার ফোর্স আছে আমরা অ্যালার্ট করে দিই এবং তার সাথে লেডি পুলিশও আমরা দিয়ে দিই। তারা রামগঞ্জের যে রামগঞ্জ মোড় আছে NH 31 সেখানে ওয়েট করছিল। দুপুর দুটোর দিকে একটা NVSTC-র বাস আছে মালদা টু শিলিগুড়ি, এই বাসটা আমরা ইন্টারভেন করি। ইন্টারভেন করার পরে ওখানে চেক করে পাওয়া যায় যে একজন মহিলা আছে, যে মহিলার বাড়ি রতুয়াতে আছে, যার নাম চয়নতারা খাতুন, যার বয়স 21 বছর। এবং তাকে সার্চ করে আমরা 735 গ্রামের একটু বেশি ব্রাউন সুগার পেয়েছি। এবং এই সার্চ সিজার যে অফিসিয়াল ফর্মালিটিস আছে সেই ফর্মালিটিসে করা হয়েছে। বিডিও উপস্থিত ছিল, আমাদের DSP হেডকোয়ার্টারও উপস্থিত ছিল, IC এবং অন্যান্য অফিসার ফোর্স যারা ছিল ওখানে স্পটে, সেই স্পটেই ওর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ছিল দুটো প্লাস্টিকের মধ্যে, এবং যা লিগাল প্রসিডিউর আছে সেগুলো আমরা নেব আগামীকাল কোর্টে একে প্রডিউস করব। স্যার বলছিলাম কোথায় পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? একে প্রিলিমিনারি আমরা যা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি সেই জিজ্ঞাসাবাদে দেখা মানে উনি বলেছেন যে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। তো আরও ডিটেলস ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে কোথা থেকে এটা উঠেছে, কোথায় যাবে, কে সাপ্লায়ার আছে, কে রিসিভার আছে, এগুলো আরও ডিটেলস। আনুমানিক বাজার মূল্য কত হতে পারে? এর আনুমানিক বাজার মূল্য 50 লাখের উপরে হয়ে যাবে। স্যার এই যাকে মানে আজকে এখানটায় মানে আমরা একটা সোর্স মারফত খবর বললাম যে না একে আগে এর আগে কোনো কেসে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরকম কি আপনারা পেয়েছেন বা এটা না এখনো আমাদের যা রেকর্ড আছে পাইনি। তো আরও এটা তো জাস্ট আমাদের 1-1.5 ঘন্টা হয়েছে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আরও ইনভেস্টিগেশন করলে, ইন্টারোগেশন করলে, আরও রেকর্ড সার্চ করলে সব থানার আমরা রেকর্ড সার্চ করে দেখব, যদি কিছু পাওয়া যায় আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। কারণটা হচ্ছে যেগুলো মাস্টার মশাই আছে স্কুলে, ঠিক আছে, মাস্টার মশাইরা সময় মতো স্কুলে আসেন না, ঠিক আছে, স্কুলে আসেন না, ভালো এডুকেশন দেয় না। আর যখন জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়, আমি দেখলাম আজকে স্কুলে আসার পর যখন জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে মাস্টার মশাইরা চেয়ারে বসে আছেন। এটা কি ভালো? জাতীয় সঙ্গীত হওয়াকালীন কি কাউকে বসে থাকা কি উচিত? সেটাই আমি বলছি। আমি সব স্টুডেন্টগুলো বলছি, আমাদের গ্রাম তো সব স্টুডেন্ট গ্রামেই যায়, তো স্টুডেন্ট বলছে যে কোনো দিন জাতীয় সঙ্গীত হয়, কোনো দিন জাতীয় সঙ্গীত হয় না। আর যখন জাতীয় সঙ্গীত চালু হয় মানে কি যখন ক্লাস চালু হয় তখন মানে কি কিছু কিছু মাস্টার মশাইগুলো বসে করে বসে থাকে, মানে গল্প সল্প করে, কিন্তু সময় মতো ক্লাস হয় না, এটা হয় না, ওটা হয় না, অনেক রকম কমপ্লেন আছে, মানে সব ছাত্রগুলাই বলছে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে। আমার মনে হয় স্কুলের ভেতর তো দোকান থাকা উচিত না, কারণ সবাই তো আর ই নাই। এখন প্রাথমিক স্কুল মানে কি যে অত সামঞ্জস্য নাই মানুষের যে স্কুলে আসে অ্যাডাপ্ট করবে যে টাকা পয়সা নিয়ে যাবে স্কুল, কারণ স্কুলে মিড ডে মিল খাওয়াচ্ছে। তো
তো মনে হয় যে স্কুলের ভিতরে দোকান থাকা উচিত। দোকানটা কারা করেছে? দোকানটা করেছে আমাদের স্কুলের মাস্টার মশাই। কোন মাস্টার? হিমাংশু দাস, আর ওনার স্ত্রী নাম পিঙ্কি দাস। আচ্ছা, মানিক দাস মাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আপনারা, কি কারণে বিক্ষোভ দেখালেন? কারণ মানিক দাস যেটা, তিনি স্কুলে একদমই আসেন না। আজকে ফার্স্ট টাইম আমি স্কুলে দেখলাম, এর আগে আমি কয়েকবার দেখেছি, মাসে হয়তো একবার দুবার স্কুলে আসেন, তারপরে আসছেন। আমি আরো স্কুলে শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলন কো সম্বোধিত করনে ওয়ালি অন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতি কে বরিষ্ঠ রাজযোগ শিক্ষিকা ব্রহ্মা কুমারী রাজযোগিনী উষা দেবী শুক্রবার কি রাত জলপাইগুড়ি পৌঁছি। ওয়া পড়োশী রাজ্য ভুটান সে হতে হুয়ে উত্তর বঙ্গাল কে বিভিন্ন হিস্সোঁ কা পরিভ্রমণ কর রহি হ্যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কে সূত্রোঁ নে বতায়া কি আজ দোপহর বিশ্ববিদ্যালয় কে में जलपाईगुड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक के शताब्दी समारोह में चर्चा बैठक में भाग लेंगी। ब्रह्मा कुमारी उषा देवी द आर्ट ऑफ वरी फ्री लिविंग पर बोलेंगी। राजस्थान के माउंट आबू के प्रमुखों में से एक वीके भानु ने भी शनिवार सुबह योग केंद्र में राजयोग का व्यवहारिक ज्ञान दिया। पेयजल शुद्ध की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। चीलाखाना पालपड़ा इलाके के लोग लंबे समय से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव की महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तूफानगंज एक नंबर प्रखंड के चीलाखाना एक नंबर ग्राम पंचायत के पालपड़ा इलाके में आज इस घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। हालांकि चीलाखाना एक नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान मोतीलाल दास ने कहा कि चीलाखाना बाजार से सटे पश्चिमी पालपड़ा इलाके में पानी की समस्या है उन्होंने मामले की शिकायत विकास प्राधिकरण सहित जनहित अधिकारी से की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। চিলাখানা পশ্চিম পালপাড়ার বাসিন্দার আমরা মূলত বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ভুগতেছি। যে ছ মাস থেকে আমরা প্রশাসনকে জানাচ্ছি, প্রশাসন কোনো কিছু কাজ করছে না, আমাদের দিকে কোনো হেলদোল নেই। এদের প্রধানকে যাচ্ছি, অঞ্চল সভাপতি তার কাছে যাচ্ছি, সেও কোনো এসে আমাদের হেলদোল করছে না। জলের অফিসে যাচ্ছি, তারাও সেও বলছে আমরা দেখছি কি করছে করা যায়। এভাবে করতে করতে আমাদের দু মাস কাটিয়ে দিল, ওরা দু মাস কাটিয়ে দিয়ে আমরা বাধ্য হয়ে এদের কাছে, এরা কোনো ইসেই করছে না, হেলদোল করছেই না। এরা কি সমস্যা? পানি জল ঠিক মতো আমরা পাচ্ছি না। এক হাজার গ্রামবাসী সকলেই আয়রন যুক্ত জল খাচ্ছি, বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, প্রশাসনের দিকে কোনো হেলদোল করছে না। এরা অফিসে বসে কি কাজ করছে? এদের এদেরকে কাজের কোনো দরকার নেই নাকি? যদি কাজে দরকার প্রয়োজন না থাকে, দিদি কি করছে? দিদি এদেরকে নামিয়ে দিক। अपहरण के 5 घंटे के भीतर पुलिस ने युवक को किया बरामद। कुचबिहार के तूफानगंज थाने में अपहरण की लिखित शिकायत करने के बाद 5 घंटे के भीतर तूफानगंज थाने की पुलिस ने अपहरित युवक को छुड़ा लिया। युवक का नाम मोमान अली बताया जा रहा है, वो असम के गौरीपुर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार युवक रोज असम से गौरीपुर इलाके से मछली लाकर तूफानगंज में थोक बाजार में इसे बेचता था। हालांकि अपहरण को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। अपना छेले की अपहरण हो चलो अपहरण न तो और कहलम नामे टाका दाबी करछे। আপনাকে ফোন করে টাকা দাবি করছে? হ্যাঁ, আমাকে ফোন করে 5 লক্ষ টাকা দাবি করছে। কোনটা তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ লেখেন? হ্যাঁ, তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ করছি, তাতে আমরা পাই নাই। তারপরে পুলিশ কখন উদ্ধার করলো? পুলিশ উদ্ধার করলো ধরেন এই এই মুহূর্তে আনলো, তিনটার সময়। কোন জাত থেকে? আপনার ছেলের নাম কি? মনোহর আলী। কতদিন যাবো এখানে ব্যবসা করে? ধরেন অনেক কদিন ধরেন 2 বছর হইলো। সবজির ব্যবসা করে? হ্যাঁ, মানে ওইদিকে মাছ নিয়ে আসে, মাছ এনে এদিকে বিক্রি করে। আর এদিকে जेसीबी एवं डंपर छीन रहे लोगों के रोजगार आंदोलन में आंदोलन की राह पर श्रमिक। तोरसा नदी में बालू पत्थर समेत अन्य सामानों की लोडिंग अनलोडिंग करने वाले श्रमिकों को जेसीबी एवं डंपर के काम में लगाए जाने से बेरोजगार होने की आशंका सता रही है। इन लोगों ने नौकरी छूटने की आशंका के मद्देनजर आंदोलन शुरू कर दिया है। दावा है कि 20 साल से अधिक समय से तोरसा नदी के किनारे या इस प्रकार से काम कर रहे हैं। वर्तमान में जेसीबी व डंपरों से लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया जा रहा है। इस वजह से इनके सक्षम नौकर
जाने का, नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि लोग अब जेसीबी से लोडिंग अनलोडिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और यही इनकी नौकरी भी जाते हुए ये देख रहे हैं। अपना देखने की समस्या होती है, समस्या बोलते कि देखते हैं যে এতগুলো লোক সব হচ্ছে এই যে আমরা এই তোষা বেটে কাজ করি আজকে দীর্ঘদিন থেকে ২০-২৫ বছর থেকে, হ্যাঁ, গাড়ি লোড আর লোড ঢালাবুটি গাড়ি লোড আর লোড এই কাজগুলো করি। আর সমস্যা হচ্ছে এখন বেটের যারা শেয়ার হোল্ডার, বেটের যে মালিক, এরা ডাম্পার জিসিবি এগুলো দিয়ে গাড়ি লোড আর লোড করবে। হ্যাঁ, তাই এগুলো যদি লোড আর লোড হয়, যত আমাদের কুচবিহার শহরে এদিক সেদিক যত মানে ভরটের যে আমরা কাজগুলো করি, যে টিপগুলো ডালাবড়ি দিয়ে ফেলি আর কি, সেই টিপগুলো সব এই ডাম্পার খায়া নিচ্ছে। তা এই ডাম্পার যদি এই টিপগুলো সব খায়া নেয়, আমরা এতগুলো মানুষ কী করে খাবো? সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই ডাম্পার আর জিসিবি নিয়ে, এটা যাতে বন্ধ হয়, ডাম্পার জিসিবি। আর ডাম্পার জিসিবি যদি না বন্ধ হয়, আমরা এতগুলো লোক মানে অনাহারে মরতে হবে, নাহলে দিল্লি বোম্বাই যাইতে হবে, কিছু একটা করা লাগবে আর কি, যাতে এটা আমাদের পক্ষে একটা ভালো কিছু হয় ব্যবস্থা, যার জন্য এই জিনিসটা করা। বন্ধ না হলে আপনারা কি করবেন? বন্ধ না হলে যেমন এই কাজটা আমরা আজকে ২০-২১ বছর থেকে এই কাজটার সাথে জড়িত, আমরা এটা করে খাই, এখন এই কাজটা যদি না হয়। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है? चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।